जैसा कि आप सभी को पता है, आज इंडिया में चाइना की 59 चाइनीज एप्लीकेशन को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक का नाम सबसे ऊपर है और वो काफ़ी फेमस और पॉपुलर एप्लीकेशन थी। आज दोस्तों सोशल मीडिया में एक ही न्यूज़ छाया हुआ है कि टिकटॉक के यूजर्स का कहना है कि अगर आपने टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन किया है तो फिर आपने पबजी को क्यों नहीं किया। यानी दोस्तों टिकटॉक के यूजर्स चाहते हैं कि आप इंडिया में पबजी एप्लीकेशन को भी बैन करें। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये टिकटॉक के यूजर्स हैं वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आप पबजी एप्लीकेशन को भी बैन करें, और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर फ्यूचर में क्या ऐसा हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक फैसला लेगी और वो पबजी एप्लीकेशन को भी बैन करेगी। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं टेकमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पबजी मोबाइल गेम्स को इसलिए 59 चाइनीज ऐप्स के लिस्ट में नहीं रखा गया क्योंकि पबजी मोबाइल 100% चाइनीज ऐप्स नहीं है। ज्यादातर ये टिकटॉक यूजर्स जानते हैं पर उनका दिल है कि मानता नहीं और पूछते हैं पबजी क्यों बैन नहीं हुआ। वेल, पबजी क्यों 100% चाइनीज ऐप्स नहीं है, आइए जानते हैं। दरअसल जब 2017 में पबजी गेम्स आया था तो इसे पीसी और कंसोल के लिए बनाया गया था। इसे पबजी कॉरपोरेशन ने बनाया था, जो कि एक साउथ कोरियन वीडियो गेमिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है ब्लू होल स्टूडियो। जो पबजी पीसी और कंसोल के लिए था उसे साउथ कोरियन कंपनी ने डेवलप किया था। पर जब पबजी काफ़ी पॉपुलर हो गया और अच्छी खासी कमाई कर ली, तब चाइना की गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम्स गई ब्लू होल कंपनी के पास और कहा कि भैया हम पबजी को चाइना में पब्लिश करना चाहते हैं। और बाद में इन दोनों फर्म के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और बाद में टेंसेंट ने पबजी को चाइना में पब्लिश किया, लॉन्च किया, साथ ही साथ इस मोबाइल वर्जन जिसको आप अपने मोबाइल पे खेलते हैं उसको डेवलप किया। आज ब्लू होल स्टूडियो में टेंसेंट गेम का 100% शेयर्स भी है। तो पबजी मोबाइल गेम्स को पूरी तरह से डेवलप तो चाइना कंपनी टेंसेंट ने किया, पर कॉन्सेप्ट साउथ कोरिया का है। डेवलपर चाइनीज होने की वजह से पबजी मोबाइल गेम्स चाइना तो कहलाएगा पर फिर भी 100% चाइनीज ऐप्स नहीं है। इस वजह से पबजी मोबाइल गेम्स गवर्नमेंट के रडार में अभी तक नहीं आया है। पबजी मोबाइल गेम्स के बचने का दूसरा कारण यह भी है, जितने भी ऐप्स को आज बैन किया गया है वो इंडियन एजेंसी के इनपुट पर की गई है, जिसका कहना है कि ये ऐप्स इंडियन यूज़र का डाटा चुराती है और दूसरे देशों के सर्वर पर भेजती है। और आज इस लिस्ट में पबजी का नाम नहीं है क्योंकि हो सकता है पबजी मोबाइल ऐप्स को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने टेस्ट किया हो और पबजी टेस्ट में पास हो गया हो। और आज पबजी मोबाइल ऐप्स को इसलिए बैन करने की आवाज़ उठ रही है क्योंकि इसे चाइना कंपनी टेंसेंट ने डेवलप किया है। दोस्तों इस समय पबजी को भी खतरा हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट ने आगे किसी और चाइनीज ऐप्स को बैन करती है तो। कारण साफ है, पबजी को डेवलप करने वाली कंपनी चाइना की। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि आखिर जो आप अपने मोबाइल में अभी तक पबजी मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हैं वो एक साउथ कोरिया की कंपनी है, जिसे डेवलप किया गया था पहली बार पीसी और कंसोल के लिए, तो वो एक ब्लू होल कंपनी ने डिज़ाइन किया था। और बाद में चाइना की एक कंपनी ने, टेंसेंट नाम की एक कंपनी ने इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे अनुसार ये चाइना की ही एप्लीकेशन है, जो कि बाद में इसे एक चाइनीज़ डेवलपर ने डिज़ाइन किया था। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।